इस वक्त मौजूद हैं दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक गुप्ता जी। डॉक्टर साहब, आपके ही सीनियर कहा जाए डॉक्टर एम पी आर्या को, ये नवाबगंज के विधायक बने हैं, क्या कहना चाहेंगे, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं? पहले तो मैं नवाबगंज की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने हमारे प्रिय और आदरणीय और हम सबके प्रेरणा स्रोत डॉक्टर एम पी आर्या जी को नवाबगंज क्षेत्र से विजयी बनाया। और मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, उनके कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने जीत दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया अपना। फिलहाल आप वो विधायक बन गए, अब क्या सोच रहे हैं आप, क्या विकास कार्य ऐसे हैं जो नवाबगंज में होने चाहिए, जो अधूरे पड़े हैं या नहीं हुए हैं? देखिए, बहुत सारे कार्य होने हैं। नवाबगंज की पिछले 10 सालों में मुझे लगता है बहुत पीछे पहुँच गया, दुर्गति हुई है एक तरीके से, मैं अपने शब्दों में यही कहूँगा। और पिछले बार भी हम उम्मीद करते रहे कि भाई कुछ होगा, लेकिन मुझे नज़र नहीं आया। और इस बार मुझे लगता है डॉक्टर एम पी आर्या जी के रूप में हमें एक ऐसा विधायक मिला है जिससे हम अपनी बात सही से कह सकेंगे, करवा सकेंगे अपना काम, और नवाबगंज क्षेत्र का विकास मुझे लगता है अब तो पॉसिबल है, और अगर अब नहीं हुआ तो फिर बहुत मुश्किल है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं पिछले 10 साल से कोई कार्य, विकास कार्य नहीं हुए हैं, क्योंकि पिछली सरकार भी भाजपा की थी, भाजपा के विधायक थे, क्या संतुष्ट नहीं है फिर आप उनसे? देखिए, मैं ये कहूँगा कि विधायक लोग अपना अपना काम करते हैं, लेकिन हम नगर में रहते हैं तो मुझे लगता है नगर का तो काम सही नहीं हुआ, जो कि हो सकता है इसमें नगर पालिका का भी योगदान रहता है। तो हम लोग पूरा एक, हम तो अपना देखते हैं कि स्वच्छता नहीं है, सफाई नहीं है, नगर का दायरा नगर पालिका के अंडर में आता है। जी, ये बात मैं आपके सहमत हूँ, लेकिन अब हमें तो सुविधाएँ चाहिए, हमें तो व्यवस्थाएँ चाहिए, अब वो नगर पालिका के माध्यम से हों, विधायक जी के माध्यम से हों, इससे हम लोगों को आम जनता के रूप में कोई फर्क नहीं पड़ता। भी बहुत ऐतिहासिक कार्य कराए थे यहाँ पे, जो जो जागीर का पुल है, जी जी बिल्कुल, और इस तरीके के बहुत से कार्य कराए थे उन्होंने। विधायक केसर सिंह गंगवार जी ने भी बहुत अच्छा कार्य किया है, और जो हम लोग नहीं इतना जानकारी में ले पाते हैं क्योंकि अपने क्लिनिक पे आए, घर चले गए, तो रास्ते में जो 2-4 चीज़ें होती हैं वही हम लोग सही से समझ पाते हैं। पूरी जनता, विधानसभा बहुत बड़ी विधानसभा है, तो यकीनन उन्होंने भी अच्छे कार्य किए होंगे। अब क्या सोच रहे हैं आप, डॉक्टर साहब से क्या उम्मीद कर रहे हैं? डॉक्टर साहब से तो उम्मीदें हैं, जिस तरीके से जीत के आए हैं उस तरीके से उम्मीदें हैं जनता की, और मुझे लगता है वो अपनी उम्मीदों पर पूरा खरा उतरेंगे। ऐसा तो नहीं, आप डॉक्टर हैं, वो भी डॉक्टर हैं, इसलिए आपको ज़्यादा उम्मीदें हैं उनसे, आपके ऊपर विशेष ध्यान रहेगा, ऐसा तो नहीं है? देखिए, हम डॉक्टर हैं, हम तो जनता की सेवा पिछले 12 साल से कर ही रहे हैं नवाबगंज में, हम लोगों को इतनी उम्मीद, देखिए जनता की उम्मीद होनी चाहिए, जनता हम लोगों का क्या है, सब कुछ जनता से है। किस तरीके के व्यक्ति हैं डॉक्टर साहब, उनके बारे में आप जानते हैं, किस तरीका के उनके अंदर क्या विशेष है? बहुत छोटा हूँ उनके लिए कुछ भी ये सब कहूँ कि सरल हैं, सहज हैं, हकीकत में इतने अच्छे व्यक्ति मुझे नवाबगंज में कम ही मिले हैं। विकास कार्य तेजी से होंगे अब, मुझे पूरी उम्मीद है, और मैं जल्दी ही मिलूंगा सर से और उनसे आग्रह करूंगा, 2-3 बातें मेरे दिमाग में हैं वो मैं उनसे कहूंगा। पहले भी रखी है मैंने, रविंद्र सिंह राठौर अंकल जी थे चेयरमैन हमारे, तब भी मैंने उनसे अपनी बातें जो भी मेरे मन में रहती थी नवाबगंज के विकास को लेकर या कोई भी, तो मैं रखता था, और अब मैं डॉक्टर साहब से मिलूंगा, मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, आदरणीय है, मैं उनसे कुछ भी जो नगर, मेरे नगर में अब ये देखा जा रहा है डॉक्टर राजनीति में आ रहे हैं, एक ब्लॉक प्रमुख बन गए हैं, दूसरे विधायक बन गए, तीसरे डॉक्टर खेमकरन, वो भी सोच रहे हैं कि नगर पालिका का चेयरमैनी का चुनाव मैं लड़ूँ, आपको सोच रहे हैं आप कौन सा पद लेना चाहेंगे? देखिए, फिलहाल मैं अभी कोई पद लेने में सक्षम नहीं महसूस कर रहा हूँ, और मैं अपना पूरा ध्यान डेंटिस्ट्री में फोकस कर रहा हूँ, मैंने अभी बरेली में अपना नया क्लिनिक बनाया है, तो मैं अपने डेंटल क्षेत्र के माध्यम से जनता की सेवा कर रहा हूँ। राजनीति के माध्यम से नहीं करेंगे अभी? देखिए, राजनीति के माध्यम से अभी मुझे नहीं लगता सही समय है, आगे सोचेंगे आप भी, आगे कल किसने देखा है, कल तो कुछ भी हो सकता है।